अब वो रास्ता जो है वो बड़ा कठिन रास्ता है, एक आदमी का चलना बड़ा मुश्किल है, फिर इतनी ऊंचाई क्या ऐसे नहीं सीधा सीधा रास्ता, आपको ऊपर चढ़ना है अरे बोल के। तो अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर पाया और ये भी कहा सरकार रास्ता बड़ा दुश्वार है, एक बंदे का चलना बड़ा मुश्किल है, मुबादा मैं आपको उठा के चलूं और कहीं मेरा पांव इधर उधर हो जाए, ये बात भी कोई नहीं है। सरकार ने फरमाया ये बातें सरकार तो जानते थे ना, रास्ता दुश्वार है, रास्ता दुश्वार है। अबू बकर भी कोई जवान नहीं है, अबू बकर नबी के ऊपर भी डर चुकी है, उसके बावजूद फरमा रहे अबू बकर मुझे उठा, मुझे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप बैठ गए, आप बैठ गए, हुजूर आप कंधों पे सवार, हुजूर कंधों पे सवार, जब हुजूर कंधे पर सवार हो गए, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं किस शान से उठे होंगे, ये मकाम अल्लाह किसी और को नहीं मिला जिसके कंधे पर नबी सवार हुआ, अबू बकर किस शान से उठेंगे, किस अज़म से उठे होंगे, किस पद से उठेंगे कि अल्लाह का महबूब मेरे कंधे पर सवार, ये मकाम हुजूर ने असल में हुजूर ने मकाम आपको देना था, ये बताना था लेकिन दुनिया तक आने वालों को मेरे अबू बकर को देख लो, अबू बकर वो है जिसके कंधे पर मैं सवार हूं, अबू बकर वो है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे सवार करके और दुश्वार गुजर रास्ते पे चले, कदम पर कदम चलते रहे और अल्लाह के खालिस तौर पर पहुंच गए।